ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा हौसला बड़ा है। दोस्तों, रोजाना दुनिया के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के सपने टूटते हैं, और उन सपनों के टूटने में जो सबसे बड़ा कारण है वो है बहाने बनाना। हम सुनते हैं लोगों से, मैं जगह जगह जाता हूँ, बात करता हूँ लोगों से, लोग कहते हैं क्या करूँ साहब, मेरी लंबाई कम है, क्या करूँ साहब, मेरी आवाज़ ठीक नहीं है, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं स्कूल नहीं जा पाया, ये सब बकवास बातें हैं दोस्तों। अरे क्या फर्क पड़ता है लंबाई कम होने से। सचिन तेंदुलकर की लंबाई भी कम है जो मास्टर ब्लास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं, आमिर खान की भी लंबाई कम है जो मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हैं। आवाज़ की बात करें, शुरुआत के दौर में अमिताभ बच्चन को आकाशवाणी वालों ने इसलिए निकाल दिया था कि भाई आपकी आवाज़ ठीक नहीं है, आज उसी आवाज़ के लोग दीवाने हैं। साहब मैं बार बार असफल हो गया, अरे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई। अब्राहम लिंकन बार बार असफल होकर के भी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। थॉमस एडिसन एल्वा जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, 999 बार असफल हुए। क्या करूँ साहब, मैं गरीब घर में पैदा हुआ, साइकिल पे चला, साइकिल पे चलने वाले व्यक्ति धीरूभाई अंबानी बने, साइकिल पे ही निरमा वाशिंग पाउडर बेचने वाले कृष्ण भाई नामी गिरामी व्यवसायी बने। बहाने छोड़ो दोस्तों, क्या करूँ साहब, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा एक पैर चला गया। आपको पता है, एक पैर जाने के बाद भी सुधा चंद्रन ने कृत्रिम पैर लगा करके नृत्य की दुनिया में पूरे विश्व में नाम कमाया है। बहाने छोड़िए दोस्तों, क्योंकि अगर आप गरीब घर में पैदा होते हैं इसमें आपका दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं इसमें शत प्रतिशत आपका दोष है। इसलिए कर्मठता से, कर्तव्यशीलता से, लगन से, जोश जज्बे जुनून से आप जिस भी सेक्टर में काम कर रहे हैं उसकी बुलंदियों को छूइए, बड़े सपने देखिए, और सपनों को पूरा करने के लिए अपना शत प्रतिशत दीजिए। क्योंकि किसी ने कहा है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। दोस्तों, आज से ही जुट जाओ अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए, सारे बहानों को छोड़ दो, और आपने जो भी सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए अपना शत प्रतिशत मेहनत करके और उस सपनों को पूरा कीजिए। क्योंकि आपका सपना पूरा होगा तो समाज का सपना पूरा होगा, राष्ट्र का सपना पूरा होगा, और ये देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। वंदे मातरम, जय हिंद।